सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सोल्जर बॉय के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब एक 6 साल के बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, लेकिन फिर उसने रशियन सेना को ज्वाइन किया और वो इतिहास का सबसे कम उम्र का सेना बना। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हम सर्गी नाम के एक 6 साल के बच्चे को देखते हैं, जो अभी पेड़ पे बैठा होता है और उसकी माँ नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है और वहीं पर उसका भाई होता है और सर्गी यहाँ पे अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। तभी वो आसमान में एक प्लेन को उड़ता हुआ देखता है और उसे लगता है कि यह प्लेन अब उस पर हमला करेगा, इसीलिए वो अपनी गुलेल से एक पत्थर चलाता है और वो प्लेन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि सर्गी ये सारी चीजें सपने में देख रहा था और अब सर्गी का सपना खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उठ करके बैठ जाता है। तभी उसका दरवाजा बजने लगता है और यहीं पर एक औरत आती है और वो सर्गी को जिंदा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सर्गी समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तब वो औरत बताती है कि अब तुम मेरे बेटे बन करके रहोगे और अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इतना कहने के बाद वो बताती है कि युद्ध में उसके भाई और उसकी माँ मारे गए, लेकिन अब सर्गी को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये औरत उसके साथ रहेगी। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी औरत यहाँ पे जर्मन सिपाहियों को देखती है और वो बुरी तरीके से डर जाती है और वो समझ जाती है कि अभी सिपाही उसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो वहाँ की खिड़की खोलती है और सर्गी को यहाँ से भागने के लिए कहती है और सर्गी भी यहाँ से भाग जाता है। और जब वो भागते भागते आगे जाता है, तब वो देखता है कि इस पूरे गांव को आग लगा दिया गया है और अब देखते ही देखते ये पूरा गांव जल करके राख हो जाता है। गाइस, क्या आपको पता है मानव शासन में हजारों युद्ध लड़े गए हैं जिसमें पता नहीं किस किस ने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी युद्ध हुए हैं जिसका आपको पता चलना बाकी है। उसमें आपकी मदद करेगा कुकू FM। कुकू FM इंडियन ट्रेंडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ओवर 1000+ hours ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट एंड 4+ रेटिंग्स। कुकू FM में मैं खुद अपनी फेवरेट बुक सुन रहा हूँ जिसका नाम है द सेकंड वर्ल्ड वॉर। गाइज, एंथनी वेयर की लिखी हुई इस बुक की समरी को सुनकर आप रोमांचक सफर पे चले जाएंगे, बल्कि ये भी जानोगे कि इस युद्ध के बाद कैसे दुनिया में कौन सी नई महाशक्तियां हुई। पर्सनली ये बुक समरी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। गाइज, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी बुक समरी को सुनिए और साथ साथ यहाँ पे आपको अपने फेवरेट कंटेंट का बुक समरी मिल जाएगा और वो भी रीजनल लैंग्वेज में। और गाइज, मेरे लिए तो बुक पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कुकू FM की हेल्प से मैं डेली काम करते करते ऑडियो बुक की समरी सुन सकता हूँ। और सबसे बेस्ट चीज, ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड CSH50 यूज करोगे तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% ऑफ ऑन दिस सब्सक्रिप्शन और अकाउंट में से आपका 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। तो जाओ लर्निंग ही लर्न। लेकिन सर्गी चला जाता है जंगलों में और वो ऐसे ही रात भर भटकते रहता है और सुबह सुबह वो पहुंचता है एक नदी के पास। और नदी के पास जब वो पानी पी रहा होता है, तभी उसे बहुत सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो किसी और ही भाषा में बात कर रहे होते हैं और ये भाषा सर्गी को बिल्कुल भी पता नहीं होती है, इसीलिए अब सर्गी यहाँ से भागने लगता है। तभी वो यहाँ पे जर्मन सिपाहियों को देखता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। और अब ये जर्मन सिपाही यहीं पे खाना पकाने लगते हैं और वो खाना पका रहे होते हैं और सर्गी यहाँ पे छुपा हुआ होता है। तभी सर्गी अपने पास एक बड़े से सांप को देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन सर्गी जानता है कि अगर वो चिल्लाएगा तब ये सिपाही उसे मार दे, इसीलिए वो बिल्कुल चुपचाप रहता है। और धीरे धीरे वो सांप यहाँ से चला जाता है और ये जर्मन सिपाही भी यहाँ से चले जाते हैं। तब सर्गी भी इस पेड़ से बाहर आता है और वो फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए और अब उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। तभी वो अपने सामने बहुत सारे बेरीज को देखता है और वो बिना झिझक के उन बेरीज को खाने लगता है। तभी यहाँ पर बॉम्ब्स फूटने लगते हैं चारों तरफ और इस चीज से अब सर्गी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके कान भी सुन हो चुके हैं इन आवाजों से, इसीलिए उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है और वो ऐसे ही भटकने लगता है। तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन सर्गी बिल्कुल भी नहीं डरता और वो एक बड़े से लकड़ी को उठाता है और यहाँ पे चिल्ला करके कहने लगता है कि मेरे पास बताना, क्योंकि मेरे पास मेरी राइफल है और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और अब सर्गी ऐसे ही घूमने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास कुछ रशियन सिपाही आते हैं और वो उसे उठा करके ले जाते हैं पास वाले बेस पे, लेकिन अब सर्गी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तभी यहाँ पे उनका स्क्वाड लीडर आता है जिसका नाम है कुज़नेत्सोव और अब कुज़नेत्सोव अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सर्गी से। तब सर्गी भी उसे एक सिपाही की तरह हाथ मिलाता है और उसकी ये बहादुरी देखने के बाद कुज़नेत्सोव बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब सारे लोगों को प्यार आ रहा है सर्गी पे, इसीलिए सब लोग उसके लिए खाना लाते हैं और उसके लिए पीने के लिए भी पानी लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्गी बहुत ही ज्यादा भूखा है। और अब सर्गी भी खाना खाने लगता है। तभी हम यहाँ की नर्स को देखते हैं जिसका नाम है कात्या, और कात्या अब यहाँ पे मरहम लगाने लगती है सर्गी के घाव पे, लेकिन इसमें उसे बहुत दर्द होता है। तब कात्या यहाँ पे उसके साथ एक खेल खेलने लगती है ताकि इससे सर्गी का दिमाग कहीं और चला जाए और वो कात्या को घाव पर मरहम लगाने दे। और इस चीज को यहाँ पे बाकी घायल सिपाही भी देखते हैं, इसीलिए वो कात्या की मदद करने लगते हैं और वो सर्गी का इलाज करने लगती है। तभी हम कुज़नेत्सोव को देखते हैं और उसे भी अब सर्गी की फिक्र है, इसीलिए वो आता है सर्गी के पास और उससे बात करने लगता है, लेकिन अब सर्गी उससे बहुत सारे
सवाल पूछता है और वो उसके मेडल्स के बारे में पूछता है और उसके साथ साथ उसके पिस्टन के बारे में भी। तब कुज़नेत्सोव उसके सारे सवालों के जवाब देने लगता है और अब धीरे धीरे कुज़नेत्सोव यहाँ पे सर्गी को पसंद करने लगता है क्योंकि सर्गी की बातें बहुत ही रोचक है और वो बहुत ही बहादुर है। लेकिन अब समय के साथ साथ सबको पता लग चुका है कि अब यहाँ से सर्गी को जाना पड़ेगा और सर्गी का कोई परिवार नहीं है, इसीलिए अब वो अनाथ आश्रम जाएगा और इस बात से कात्या को बहुत ही ज्यादा समस्या है। इसीलिए वो जाती है कुज़नेत्सोव के पास और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सर्गी यहीं पे रहे क्योंकि उसके जैसे बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तब कुज़नेत्सोव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह किसी भी बच्चे के लिए नहीं है, इसीलिए अनाथ आश्रम ही उसके लिए सही जगह है। और कात्या को अब ये बात बहुत ही बुरी लगती है। तभी हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं और वो बार बार आते हैं सर्गी से मिलने के लिए और वो उसके लिए बार बार उपहार भी लाते रहते हैं। कोई उसके लिए फल लाता है तो कोई उसे ला करके दूरबीन देता है और सारे लोग उसे बहुत ही स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कात्या बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए अपनी दोस्त को कहती है कि वो रात भर नहीं सो पा रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो सर्गी को कभी नहीं देख पाएगी और सर्गी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कात्या के साथ साथ यहाँ के बाकी सिपाही भी बहुत परेशान है, इसीलिए वो लोग भी जाते हैं कुज़नेत्सोव के पास और उससे आग्रह करते हैं कि वो सर्गी को यहीं पर रहने दें। लेकिन कुज़नेत्सोव कहता है कि तुम लोग मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे, ये जगह किसी भी बच्चे के लिए नहीं है, इसीलिए मैं चाह करके भी उसे यहाँ पे नहीं रख सकता। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे फिर से जर्मन हमला कर देते हैं और बहुत देर तक इनके बीच ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। लेकिन रशियन एक बार फिर से जर्मन को पीछे भेज देते हैं। तभी सर्गी को अनाथ आश्रम ले जाने के लिए यहाँ पे एक आदमी आता है, लेकिन कुज़नेत्सोव कहता है कि उसे एक बार बात करनी है सर्गी से। और अब वो सर्गी से बात करने लगता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिचक है और वो सर्गी से ये बात नहीं कह पाता है कि वो लोग उसे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। इसीलिए वो सर्गी को यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई बंदूक देता है और सर्गी इसे देख करके बहुत खुश होता है और वो कुज़नेत्सोव को गले से लगा लेता है। और इस चीज को देखने के बाद अब कुज़नेत्सोव अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो सर्गी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो और क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे क्योंकि मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ। तब सर्गी कहता है कि हाँ। और इस बात को सुनने के बाद कुज़नेत्सोव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो सर्गी को गोद लेने वाला है। और इस न्यूज को सुनने के बाद बाकी सारे सिपाही भी बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए वो रात में सर्गी के लिए एक मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाते हैं। तभी हम सर्गी को देखते हैं जिसे अपने परिवार की याद आ रही है कि अपने परिवार के साथ कितना ज्यादा खुश था। तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही सर्गी की आंख खुलती है वो अपने सामने कुज़नेत्सोव को पाता है और कुज़नेत्सोव यहाँ पे सर्गी को यूनिफॉर्म देता है। और आर्मी की यूनिफॉर्म देखने के बाद सर्गी बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से ही एक सिपाही बनना चाहता है। इसीलिए अब सर्गी अपने यूनिफॉर्म को पहनता है और खुशी में निकलता है बाहर और सारे सिपाहियों के साथ खेलने लगता है और उन्हें खुश होकर के अपना यूनिफॉर्म दिखाता है और सारे सिपाही भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी यहाँ पे जर्मन फिर से हमला कर देते हैं और इस बार जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पे हमला किया है और वो इन पे गोले बारूद बरसा रहे हैं, इसीलिए सारे लोग सर्गी को एक गड्ढे में छुपा देते हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जर्मन यहाँ से चले जाते हैं। तब सर्गी बाहर निकलता है और वो चारों तरफ कुज़नेत्सोव को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तब वो कात्या को ढूंढता है और वो भी उसे नहीं मिलती, इसीलिए अब सर्गी सारे जख्मी लोगों की मदद करने लगता है। तभी यहाँ का एक सिपाही उसे एक लेटर देता है और कहता है कि मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ तो क्या इस लेटर को तुम मेरे लिए पढ़ोगे। लेकिन सर्गी को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, फिर भी वो खुद से कहानी बना करके बताने लगता है और वो एक अलग ही कहानी सुना रहा होता है। और जल्दी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तब बाकी सिपाही कहते हैं कि उसे कहने दो और उसे अपनी कहानी पूरी करने दो। इसीलिए अब सर्गी ऐसे ही कहानी सुनाते जाता है और इससे खुश होकर के बाकी सिपाही भी उसे अपना अपना लेटर देते हैं और सर्गी एक के बाद एक कहानी ऐसे ही सुनाता है। तभी हम कुज़नेत्सोव को देखते हैं जो देखता है कि कात्या के पास सर्गी सोया हुआ है, इसीलिए कुज़नेत्सोव जाता है अब कात्या के पास। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कुज़नेत्सोव कात्या को चाहता है और वो यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन कुज़नेत्सोव में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। तभी सर्गी भी उठ जाता है और कुज़नेत्सोव उसके साथ खेलने लगता है और ये लोग ऐसे ही समय बिताने लगते हैं। और अगले दिन सर्गी ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो दाढ़ी बना रहा है और इस चीज को देखने के बाद सारे सिपाही हंसने लगते हैं और वो सर्गी से मजाक करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम डेट पे जा रहे हो। तब सर्गी कहता है कि सिपाही कभी भी डेट पे नहीं जाते। और इतना कहने के बाद वो पहुंचता है कुज़नेत्सोव के पास और कहता है कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। तब कुज़नेत्सोव कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चिट्ठियों को ले जाकर के सिपाहियों में बांटो। और सर्गी कहता है कि ठीक है और वो चिट्ठियों को लेकर के चला जाता है और वो सारे सिपाहियों में बांटने लगता है। और इसे देखने के बाद सारे सिपाही फिर से खुश हो जाते हैं और सर्गी ऐसे ही खेलने लगता है। और खेलते खेलते जब वो अपनी दूरबीन से देखता है तब उसे यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए नजर आते हैं, इसीलिए वो जल्दी से बेस पे वापस आता है और यहाँ के सिपाहियों को ये बातें बताता है। लेकिन शुरू शुरू में सिपाहियों को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ सिपाहियों को उस पर विश्वास है, इसीलिए उसे कहते हैं कि चलो और चल करके दिखाओ कि वो लोग कहाँ पे हैं। और अब सर्गी उन्हें वहीं पे लेकर के जाता है और इन्हें पता लगता है कि ये दोनों जर्मन सिपाही है और अब जर्मन इन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन रशियन उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ इनके पास इन्हें एक रेडियो भी मिलता है। तभी ये सिपाही आकर के इस बात को बताते हैं कुज़नेत्सोव को और कुज़नेत्सोव इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे पता लगता है कि सर्गी कितना चालाक है। इसीलिए अब कुज़नेत्सोव यहाँ पे बुलाता है सर्गी को और उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि अब कानूनी तौर पे तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इस चीज को देखने के बाद सर्गी भी खुश हो जाता है और कहता है कि हमें ये बात कात्या को बतानी चाहिए। और अब वो कुज़नेत्सोव को खींच करके लेकर के जाने लगता है
लेकिन जैसे ही ये लोग कात्या के पास पहुंचते हैं, कुज़नेत्सो देखता है कि कात्या के पास एक लड़का है जो कात्या को फूल दे रहा है। और ये चीज कुज़नेत्सो को बहुत बुरी लगती है और उसे लगता है कि कात्या शायद उसी लड़के से प्यार करती है, इसीलिए वो रुक जाता है। तभी हमें पता लगता है कि वो लड़का कात्या को प्रपोज करने आया था लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और सर्गी भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो चला जाता है कात्या के पास और उसे पूरी बात बताता है कि कुज़नेत्सो भी यहाँ पे आया था। लेकिन जब कात्या देखती है तब हमें पता लगता है कि कुज़नेत्सो यहाँ से जा चुका है। तभी यहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और चारों तरफ घमासान लड़ाई हो रही होती है। लेकिन सर्गी इस लड़ाई को छोड़ करके नहीं जा रहा और वो सारे सिपाहियों तक गोलियां पहुंचा रहा है। इसीलिए एक सिपाही उसे कहता है कि तुम घर जाओ जहां पर तुम सुरक्षित रहोगे और ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर्गी यहां से जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो भी एक सिपाही है। तब ये सिपाही उसे ऑर्डर देता है और उसे यहां के ऑफिस में जाने के लिए कहता है, इसीलिए सर्गी वहां पर चला जाता है। तभी यहां पर हम एक सिपाही को देखते हैं जो अपने हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है और सर्गी इस चीज को देख रहा होता है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनके फोन की लाइन कट चुकी है, इसीलिए हेडक्वार्टर तक कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे और सर्गी भी इन बातों को सुन रहा होता है। इसीलिए वो टेलीफोन के वायर को पीछे पीछे दौड़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक आदमी के पास जो इसी वायर के पास घायल होकर के गिरा हुआ है। तब वो पूछता है कि इस वायर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तब वो आदमी बताता है कि थोड़ी दूर ये वायर कटा हुआ है और अगर उन दोनों वायर्स को जोड़ दिया जाए तब ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो आदमी मर जाता है। लेकिन अब सर्गी आगे बढ़ता है और वो दोनों वायर्स को जोड़ देता है और जल्दी यहाँ के टेलीफोन में कनेक्शन आ जाता है और ये लोग हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करके री इन्फोर्समेंट बुलाते हैं और आज की लड़ाई खत्म हो जाती है। तब रात में सर्गी बैठा हुआ होता है एक बुजुर्ग सिपाही के पास और ये ऐसे ही आसमान में तारे देख रहे होते हैं और बातों ही बातों में यहाँ पे प्यार की बात आती है। तब सर्गी उस आदमी से पूछता है कि प्यार क्या होता है। तब वो बताता है कि प्यार एक ऐसी चीज है कि अगर तुम अपने प्यार करने वाले आदमी से दूर हो जाओगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बीमार हो चुके हो। और अब यहाँ से सर्गी का दिमाग चलने लगता है और वो समझ जाता है कि कुज़नेत्सो प्यार करता है कात्या से, इसीलिए अगले दिन जाता है कात्या के पास और कहता है कि कुज़नेत्सो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो रात भर नहीं सोया है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है। इसीलिए अब कात्या भागती हुई जाती है कुज़नेत्सो के पास और जैसे ही कात्या उसके पास पहुंचती है सर्गी यहाँ से भाग जाता है। तब कात्या कुज़नेत्सो को जगाती है और वो उसका हालचाल पूछने लगती है और वो उसके शरीर को देखने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब कुज़नेत्सो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और तुम्हें किसने कहा कि मैं बीमार हूँ। तब वो बताती है कि सर्गी ने कहा मुझसे और कुज़नेत्सो समझ जाता है कि सर्गी ने यह सब क्यों किया है। लेकिन अब कात्या को पता लग गया है कि कुज़नेत्सो बीमार नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तब कुज़नेत्सो भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी दूसरी तरफ हम सर्गी को देखते हैं जो यहाँ के एक मचान के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से दूरबीन से हर जगह देखने लगता है। तभी उसे यहाँ पे दो कुत्ते नजर आते हैं और वो ऊपर से उतर करके नीचे आता है और वो कुत्तों को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि इन कुत्तों के पीछे एक सवारी लगी हुई है। फिर वो यहाँ के सिपाहियों से पूछता है कि क्या वो इस पे बैठ सकता है और वो लोग कहते हैं कि हाँ। तब सर्गी इस सवारी पे बैठ जाता है और अब कुत्ते यहाँ से भागने लगते हैं और कुत्ते बहुत ही तेजी में भाग रहे होते हैं और वो उसे लेकर के जंगल में चले जाते हैं। तभी इन सिपाहियों को एहसास होता है कि आगे हर जगह लैंडमाइन बिछाया गया है, इसीलिए अब सर्गी खतरे वाली जगह पे जा रहा है। इसीलिए एक सिपाही यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के भागने लगता है और वो जल्दी ही जाकर के कुत्तों के सामने खड़ा हो जाता है और ऐन वक्त पे सर्गी को बचा लेता है और वो उसे गले लगा लेता है। तभी दूसरी तरफ हम कुज़नेत्सो को देखते हैं जो कात्या के पास चला जाता है और उसे रोकता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। लेकिन कुज़नेत्सो बहुत ही शर्मिला है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन कात्या इन सारी चीजों को समझ जाती है और कात्या भी कुज़नेत्सो से प्यार करती है, इसीलिए वो इंतजार करने लगती है कि कुज़नेत्सो उसे कब अपने प्यार का इजहार करेगा। और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पा रहे होते हैं। लेकिन अब कुज़नेत्सो कुछ कहता उससे पहले यहाँ पे एक सिपाही आ जाता है और वो उसे एक लेटर देता है और जैसे ही कुज़नेत्सो लेटर को पढ़ता है वो कात्या को कहता है कि कल सुबह हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अब हमें दूसरे बेस पे जाना है। और अगली सुबह ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें घर में इन्वाइट किया जाता है और सारे लोग अंदर चले जाते हैं और कुज़नेत्सो यहाँ पे कुर्सी पे बैठा होता है। तभी यहाँ पे सर्गी भी आता है और उसे जमीन में एक बहुत बड़ा छेद नजर आता है। तब वो पूछता है कि ये क्या है। तब एक बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ पे जर्मन्स ने बॉम्ब गिराया था लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो बॉम्ब नहीं फटा। और इस बात को सुनने के बाद अब कुज़नेत्सो सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि कुज़नेत्सो जानता है कि वो बॉम्ब अभी भी फट सकता है, इसीलिए सारे लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और सर्गी बाहर के बच्चों के साथ खेलने लगता है। तब तक ये लोग बॉम्ब को भी बाहर निकाल लेते हैं और अब ये घर सुरक्षित होता है। लेकिन एक बार फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन रास्ते में ही जर्मन एयरफोर्स एक बार फिर से इन पे हमला कर देती है और जिस गाड़ी में कुज़नेत्सो जा रहा होता है वहीं पे वो बॉम्ब गिरता है और अब हर जगह लाशें होती है। इसीलिए सर्गी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने पिता को ढूंढने लगता है लेकिन वो देखता है कि इस गाड़ी के ज्यादातर लोग मर चुके हैं, इसीलिए वो उदास होने लगता है। तभी कुज़नेत्सो उसे आवाज देता है और अब ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तब कुज़नेत्सो यहाँ के जनरल से बात करता है और वो अपने सारे रिपोर्ट्स देता है। तभी यहाँ पे सर्गी भी आ जाता है और अब जनरल उससे बातें करने लगते हैं और जनरल इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं
क्योंकि सर्गी इतना छोटा होने के बाद भी एक सिपाही की तरह रहता है और उसके हर एक बात में एक सिपाही झलकता है। इसीलिए अगले दिन जनरल उसे अपने रेजिमेंट का बैच देते हैं और उसे एक सिपाही का दर्जा देते हैं। और अब सारे लोग यहाँ पे सर्गी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सर्गी सारे लोगों के सामने मार्च कर रहा होता है। लेकिन अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एक बार फिर से इन पे हमला हो जाता है और कुज़नेत्सोव जहाँ पे होता है वहीं पे यह हमला हुआ होता है। इसलिए अब सर्गी भागता हुआ जाता है दूसरे सिपाहियों के पास और उन्हें पूरी बात बताता है और उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पे हमला हुआ है। इसीलिए सारे सिपाही पहुँचते हैं उसके पास और वो कुज़नेत्सोव को बचा लेते हैं। लेकिन कुज़नेत्सोव घायल हो चुका है और उसका इलाज हो रहा है। तब सर्गी उसके पास जाता है और ये दोनों एक दूसरे को जिंदा देखने के बाद फिर से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अगले दिन ये लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि तब से सर्गी इसी बटालियन के साथ रहा और यही बटालियन उसका परिवार था और उसने इनके साथ कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी। और सर्गी ने अपना पहला युद्ध लड़ा पोलैंड के खिलाफ और इसी के साथ उसे सबसे कम उम्र के सिपाही का दर्जा भी मिला। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।